तो दोस्तों वीडियो की तीन सीरीज में मैं बात करूंगा जावा डेवलपमेंट के बारे में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बारे में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा बैक एंड डेवलपमेंट क्या होता है, फ्रंट एंड डेवलपमेंट क्या होता है, इसमें कौन कौन सी लैंग्वेजेस होती हैं और इसके की डिफरेंसेस क्या होते हैं। ये तीन वीडियोस की सीरीज में मैं आपको बताने वाला हूँ। आज के इस वीडियो में बात करते हैं बैक एंड डेवलपमेंट एंड फ्रंट एंड डेवलपमेंट होता क्या है। तो दोस्तों पहले बात करते हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट के बारे में। देखो दोस्तों, फ्रंट एंड डेवलपमेंट वो होते हैं जो विजुअल कंपोनेंट पे काम करते हैं। जैसे कि अगर कोई एक वेबसाइट है, वहाँ पे जो विजुअल्स कंपोनेंट होते हैं वो किस तरीके से वेबसाइट में दिखने चाहिए। अब विजुअल कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, जैसे आपका होम का बटन हो गया, कॉन्टैक्ट अस का पेज हो गया, ये मैं एक नॉर्मल बात कर रहा हूँ, आप इससे समझ जाना कि एग्जैक्टली वो विजुअल कंपोनेंट्स जो होते हैं वो वहाँ पे जावा फ्रंट एंड डेवलपमेंट जो होते हैं वो काम करते हैं। आप जैसे कि कोई लॉगिन पेज बनाना है, लॉगिन पेज कैसा दिखना चाहिए, लॉगिन का जो बटन आता है वो कैसा दिखना चाहिए, यूजर जब उस पर क्लिक करे तो उसका कलर कैसे चेंज हो, मतलब कि जो डिजाइनिंग का पार्ट होता है बेसिकली ना, एक तरीके से कह सकते हैं जो डिजाइनिंग का पार्ट होता है फ्रंट एंड वेबसाइट का, कि वो वेबसाइट एक्चुअली में दिखेगी कैसे, तो वो वहाँ पे काम करते हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट जो जावा के होते हैं। इनका जो इम्पोर्टेंट टास्क होता है वो नेविगेशन का होता है, बटन्स का होता है, और ये ओवरऑल वेबसाइट की जो इन्हेंसमेंट होती है ना उसकी विजिबिलिटी पे वो काम करते हैं कि एक्चुअली में वो वेबसाइट दिखेगी कैसे। एंड मैं आपको बता दूं इसमें शॉर्ट में कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस बेसिकली ये लोग इनिशियल लैंग्वेज जो हैं वो यूज़ करते हैं। एक तो होती है HTML, दूसरी होती है CSS एंड तीसरी होती है JavaScript, जो फ्रंट एंड डेवलपर यूज़ करते हैं या जो ये टेक्नोलॉजीज वो सीखते हैं। तो बेसिकली इन तीन लैंग्वेजेस का काम क्या होता है कि यूजर्स को बहुत मतलब कंफर्ट फील कराते हैं और लाइक वेरी इंट्रैक्ट फ्रीली होता है यूजर वहाँ पे, जब ये तीन लैंग्वेज वहाँ पे यूज करी जाती हैं फ्रंट एंड डेवलपर के लिए। तो बेसिकली दोस्तों अभी अपन बात करते हैं बैक एंड डेवलपर्स के बारे में। व्हाट इज बैक एंड डेवलपर्स या बैक एंड डेवलपर्स करते क्या हैं? बैक एंड पे काम करते हैं, यानी कि वो सर्वर साइड पे काम करते हैं, सर्वर पे डिप्लॉयमेंट करने के लिए बैक एंड डेवलपर्स वहाँ पे काम करते हैं। जो सर्वर साइड डेवलपमेंट का पार्ट होता है वो बैक एंड सर्वर डेवलपमेंट करते हैं। अभी इसमें आगे बताऊंगा लैंग्वेजेस कौन कौन सी यूज करी जाती हैं। तो बेसिकली वो तीन चीज़ों पे फोकस करते हैं मेनली, नंबर एक डेटाबेस, नंबर दो स्क्रिप्टिंग एंड नंबर तीन वेबसाइट आर्किटेक्ट, मतलब वेबसाइट का आर्किटेक्चर कैसा होगा वो एक तीसरी चीज होती है, और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज पे वो लोग काम करते हैं, और जो डेटाबेस यानी कि जो DB होता है सर्वर में वो उसके लिए वहाँ पे बैकएंड डेवलपर्स काम करते हैं। एंड दोस्तों जो बैकएंड डेवलपर्स होते हैं वो ये भी देखते हैं या वो इस पे भी काम करते हैं कि साइट एक्चुअली में काम कैसे करेगी, हाउ साइट वर्क्स, ये इस पे भी काम करते हैं। एंड अगर कोई साइट पे चेंजेस बनाने हैं या चेंजेस कैसे होते हैं तो वहाँ पे बैकएंड डेवलपर्स ही काम करते हैं, क्योंकि इन द लास्ट वो डेटाबेस में काम करते हैं तो वो किसी भी तरीके का चेंजेस उस वेबसाइट में कर सकते हैं। लेकिन फ्रंट एंड डेवलपर्स जो होते हैं वो वेबसाइट में किसी भी चेंजेस का बैकएंड पे चेंजमेंट नहीं कर सकते, किसी भी तरीके का चेंजमेंट वो बैकएंड पे नहीं कर सकते हैं, वो सिर्फ फ्रंट एंड पे ही चेंजेस कर सकते हैं। एंड वेबसाइट अपडेट हो गया, जैसे आप लोग एप्लीकेशन वगैरह अपडेट करते हो ऐसे वेबसाइट अपडेट होती है 1.0, 2.0, 3.0, व्हाटएवर वर्जन अगर लॉन्च होता है वहाँ पे, तो इस तरीके के जो अपडेट्स आते हैं वो बैकएंड डेवलपर्स वहाँ पे काम करते हैं। तो दोस्तों अभी हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि फ्रंट एंड डेवलपर और बैक एंड डेवलपर्स के लिए इंटरनली या थोड़ा सा लैंग्वेजेस के बारे में सीखेंगे कि एग्जैक्ट कौन सी लैंग्वेज होती हैं जो आपको पढ़नी पड़ेंगी अगर जावा डेवलपमेंट में जाना, चाहे वो फ्रंट एंड हो चाहे बैक एंड हो, तो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर।